नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रेवाड़ी में बेखौफ बदमाश, सरेआम विवाहिता छात्रा का किया कॉलेज के आगे से अपहरण, पति से मांगी 50,000 की चोट, विवाहिता के साथ कार में अश्लीलता, चलती गाड़ी से कूदकर बचाई जान, पत्नी के फोन से ही मांगी फिरौती की रकम, पुलिस ने कार सहित दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। पल पल रेवाड़ी से महेंद्र भारती की विशेष रिपोर्ट। बीती शाम दिल्ली रोड पर स्थित एक कॉलेज के सामने से विवाहिता का अपहरण कर अश्लीलता करने तथा उसके पति से 50,000 की चोट मामले के मामले में शहर के थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त की गई कार भी बरामद कर ली। आरोपियों की पहचान अलवर जिला निवासी विनोद कुमार व महेश्वरी निवासी तरुण कुमार के रूप में हुई है। शहर निवासी एक विवाहिता दिल्ली रोड पर स्थित एक कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी। शाम को घर लौटते समय आरोपियों ने कॉलेज के गेट के सामने से ही विवाहिता का अपहरण कर गाड़ी में लेकर के फरार हो गए। रास्ते में आरोपियों ने विवाहिता के फ़ोन से उसके पति को फ़ोन लगाया और 50,000 रुपये की फिरौती मांगी। किसी तरह मौका पाकर विवाहिता आरोपियों के चंगुल से निकल भागी। इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और परिजनों ने थाना शहर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि रेवाड़ी में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही कोई दिन गया होगा जब अपराध की कोई घटना ना घटी हो। इस तरह के मामले और अपहरण हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। 31 में एजेंट एसेंट है, गिरफ्तार करो इसको, लड़की को उठा लेंगे। तो हमने SHO साहब को भी बात करी, SHO साहब भी आ गए और हम उस गाड़ी के पीछे लगे। वो गाड़ी इसके कौनसवास रोड पर जो अपने सैनिक स्कूल के सामने कच्चा रास्ता उतरता है, वहाँ जैसी गाड़ी वो हुई तो लड़की कूद गई। उसके बाद हम लोग गाड़ी के पीछे लगे, आगे से पुलिस दी कि वो इधर आ जाए। हमने उसको चारों तरफ से घेर कर SHO साहब साथ थे, गिरफ्तार कर लिया। उसमें दो आरोपी थे, एक ने अपना नाम पता सुरेश कुमार विनोद कुमार सुरेश कुमार पूरे थाना मुंडावर का, दूसरा है तरुण सन्नो महावीर प्रसाद अपने चांस भगवान सिंह कॉलोनी महेश्वरी। महिला को दोनों आरोपी जान देते, जो तरुण है इसकी भाभी उस महिला की दोस्त, दोनों तरुण की भाभी और ये महिला हैं गांव के। तो अब ये दुर्गा कॉलोनी में मकान बना लिया जिस पीड़िता ने, तो और पुराना गांव इनका शहबाजपुर किशनगढ़ के पास। क्या कुछ हजार रुपये फिरौती मांगना सामने आया है। अब वही या तो अपने पति से गए 50,000 रुपये फिरौती भेजे, वरना मेरे से शादी करें। ये भी बात सामने आई, भाई पहले थोड़ी बहुत इस वजह से जान पहचान थी। 21 डेटेड 9/4/2019 अंडर सेक्शन 354A 354 365 384 506 35 दोनों आरोपी कोर्ट में पेश कर दिए हैं। नॉर्मल जेल ठीक बात है।